जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि यामिनी इन्वेस्टमेंट में अधिकतर जो लोग हैं जिनका मतलब इस कंपनी के से जो बाई करके बैठे हुए हैं उनका पोर्टफोलियो रेड निशान में चल रहा है, यानी कि अभी ये जो स्टॉक है उनमें माइनस में शो हो रहा है। इसलिए क्योंकि जिस प्राइस पर उन लोगों ने बाई किया था उससे ये स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया है, और देखेंगे जब इसके चार्ट पर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता है, उससे भी आपको पता ही होगा कि इसका शेयर प्राइस काफ़ी दिनों से नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो सवाल है कि इसके ऊपर उठने के कोई चांसेस है भी कि नहीं, या हमेशा ये नीचे ही जाता रहेगा, और हमें करना क्या है। देखिए, हर एक चीज़ को जब आप अप टू डेट रखेंगे, सभी जानकारी आपके पास रहेगी, तो आप शेयर मार्केट में लॉस होने से बच जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्टॉक में आगे आपको करना क्या है, ध्यान से आप देखते चलेंगे। अभी देखेंगे तो यामिनी इन्वेस्टमेंट का जो शेयर प्राइस है, देखिए 1 रुपये से कम होकर अब 70 पैसे के आसपास आने को जा रहा है, और डेली कुछ ना कुछ इसमें नीचे की तरफ ये स्टॉक खसक रहा है। देखिए, कल के दिन देखेंगे तो 1.5% की गिरावट इस स्टॉक को देखने को मिलेगी, और ये तो एक दिन की बात होगी। यदि मैं 6 मंथ की बात करूँ तो 6 मंथ में देखेंगे तकरीबन 30% स्टॉक टूटा है। 1 मंथ में भी कुछ अच्छा रिटर्न निकाल कर नहीं दिया है। 1 मंथ से देखेंगे तो ज़्यादातर ये स्टॉक आपको लोअर सर्किट में ही देखने को मिलेगा, और वहीं पर यदि पिछले 1 सप्ताह में बात करें तो 1 सप्ताह में 5% के आसपास स्टॉक टूटा है। पिछले 1 सप्ताह से देखेंगे तो लगभग हर एक दिन इसमें लोअर सर्किट आपको लगते हुए दिखेगा। लोअर सर्किट जबकि स्टॉक में बार बार लग रहा हो तो ये बात तय है कि उसमें अभी हाल फिलहाल के दिनों में तेजी आने को नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर देखेंगे तो मैंने 5 साल का भी चार्ट ओपन किया हुआ है, उसके बाद मैं 1 साल का चार्ट ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा कि आपको इसमें क्या करना है। तो देखिए, 5 साल के चार्ट पर जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि 5 साल में कंपनी ने कुछ अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया नहीं है। 2019 के पहले तक स्टॉक काफ़ी अच्छा था, 2019 के 18 के बाद से स्टॉक गिरना शुरू हुआ, उसके बाद देखेंगे तो लगता है ये गिरते ही गया। और हालांकि बीच 21-22 में थोड़ा सा स्टॉक चढ़ा भी, लेकिन फिर देख रहे हैं तो ये स्टॉक गिरते जा रहा है, और अभी देखेंगे तो ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद एक उम्मीद बनती है कि प्राइस में तेज़ी आएगी, लेकिन ये कब आएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब तक कंपनी के फंडामेंटल में बेहतरी होते हुए नहीं दिखेगा तब तक ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा अब आपको साल भर का चार्ट ओपन करके दिखाऊँ तो 1 साल के चार्ट पर आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि 1 साल से स्टॉक लगातार नीचे की तरफ खसक रहा है, और 1 साल के चार्ट पर समझ में आता है कि प्राइस अभी भी हल्का नीचे की तरफ ही रिट्रेसमेंट मार रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी आपको क्या कर देखना है, फंडामेंटल देखना है। तो देखिए, ये एक बात सभी जानते हैं कि यामिनी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है ये लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है, यानी कि एक NBFC कंपनी है, और हालांकि बैंक भी लोन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक NBFC कंपनी है, और NBFC का मतलब होता है जो बैंक की तरह ही काम करती है। तो काम देखिए कंपनी का ठीक है, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि आने वाले समय में इस कंपनी का जो फ्यूचर है ब्राइट रहेगा कि नहीं, काफ़ी ब्राइट रहेगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कंपनी का मार्केट के जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल कैसा। देखिए, अभी आपको पता है कि यामिनी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 40 करोड़ के आसपास की कंपनी है, बुक वैल्यू से ऊपर इस कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो ठीक है, लेकिन बुक वैल्यू काफ़ी कम है, ये ठीक बात नहीं है। हालांकि ROE और ROC देखेंगे तो 1% से कम है, ये चिंता की बात है, लेकिन उतनी भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि निगेटिव पे नहीं है, निगेटिव में होता तो ज़्यादा चिंता की बात होता। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो अभी इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट जब आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया, यानी कि जो Q3 का रिजल्ट आया है, उसमें इस कंपनी का जो सेल्स हुआ है, सेल्स देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा बेहतर हुआ था। और वहीं पर जब आप इस कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे, जो जिसको हम टोटल प्रॉफिट कहते हैं, नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये टैक्स वैक्स देने के बाद बचता है, तो आप देखें नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है। जाहिर सी बात है, जब सेल्स में कमी हुआ है तो इसके हर एक जो प्रॉफिट है प्रॉफिट पर भी कमी आएगी। तो यही बात है, जब तक देखिए कंटिन्यूस कुछ क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट 2-3-4 क्वार्टर तक नहीं बढ़ जाता है, तब तक हम फंडामेंटली इसको स्ट्रॉन्ग होते हुए नहीं कहेंगे, और जब तक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा शेयर प्राइस में आपको तेजी आती हुई नहीं दिखेगी। तो देखिए, अभी आपको करना क्या है, मैं आपको चार्ट पर एकदम आसान भाषा बता देता हूँ। आपको जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल सा फंडा तैयार रखिए कि अभी इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जब मैं इसको 5 साल के यदि मैं चार्ट पर दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, 5 साल का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ, यहाँ पर जब देखेंगे तो ये वाला एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि यहाँ तक पहुँचने ही वाला है। आसान भाषा में बता देता हूँ, 0.50 पैसे के आसपास जब इसका शेयर प्राइस आएगा और उससे नीचे जाने लगेगा तो आप बेच के निकल जाएगा, क्योंकि तब तक यदि बने रहेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और इस लेवल को यदि पार कर जाता है इसका प्राइस नीचे की तरफ, तो और तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगा, फिर इसका प्राइस 0.35 तक आ सकता है। तो यहाँ तक आने तक आपको इंतजार नहीं करना है, आप इसमें से अपना भूरिया फ्यूचर समेट के कोई दूसरा स्टॉक देख लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी रिस्की है और इसमें आपका पैसा डूब सकता है। तो उम्मीद करता हूँ यामिनी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है तो उस कमेंट में जरूर पूछिए। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यदि आपके पास बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप Angel One या MSTO के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।